संबोधन किया है और संबोधन में चंडीगढ़ पंजाब को लेकर कई चीजों का जिक्र किया है, जिसमें जिस तरह से पिछले सालों में डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर जो है वो काफी चीजें बताई गई हैं। जिस तरह से 24 घंटे पानी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, नशे को किस तरह से उस पर नकेल कसी है उसको लेकर भी बात की गई है, और कई जो समाज सेवी हैं, जो कई जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां पर पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पुरस्कार दिया गया है और काफी उनका उत्साह जो है वो बढ़ाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में बच्चे काफी खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि कई स्कूलों को, स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस की थी उसको लेकर उन्हें प्राइज दिया गया है। और तस्वीरें अलग अलग जो स्कूल हैं, एनसीसी स्काउट्स के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से, उनमें खुशी का माहौल है क्योंकि उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड से सम्मानित करने के बाद उनमें काफी खुशी जो है वो देखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां पर जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी का इजहार करते हुए। हालांकि आज पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में उन्होंने संबोधन किया है और बच्चे जो काफी खुशी का इजहार करते हुए तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को लेकर भी काफी चीजें, शिक्षा को लेकर भी काफी चीजों का जिक्र किया है, और इसमें जो जो स्कूल के जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो जिस तरह से जो परफॉर्मेंस दी है उसको लेकर भी जो है वो काफी उनकी हौसला अफजाई जो है वो की गई है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से परफॉर्मेंस जो है वो दी गई है उसको लेकर पूरा आज माहौल जो है वो बना है, और पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफी रोज जो है काफी खुशी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग तरह से जो परफॉर्मेंस जो है वो दी गई थी इसको लेकर अलग जो सोशल वर्कर है, कई चीजें हैं उनको, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी देखने लायक थी। संबोधन किया है और संबोधन में चंडीगढ़ पंजाब को लेकर कई चीजों का जिक्र किया है, जिसमें जिस तरह से पिछले सालों में डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर जो है वो काफी चीजें बताई गई हैं। जिस तरह से 24 घंटे पानी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, नशे को किस तरह से उस पर नकेल कसी है उसको लेकर भी बात की गई है, और कई जो समाज सेवी हैं, जो कई जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां पर पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पुरस्कार दिया गया है और काफी उनका उत्साह जो है वो बढ़ाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में बच्चे काफी खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि कई स्कूलों को, स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस की थी उसको लेकर उन्हें प्राइज दिया गया है। और तस्वीरें अलग अलग जो स्कूल हैं, एनसीसी स्काउट्स के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से, उनमें खुशी का माहौल है क्योंकि उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड से सम्मानित करने के बाद उनमें काफी खुशी जो है वो देखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां पर जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी का इजहार करते हुए। हालांकि आज पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में उन्होंने संबोधन किया है और बच्चे जो काफी खुशी का इजहार करते हुए तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को लेकर भी काफी चीजें, शिक्षा को लेकर भी काफी चीजों का जिक्र किया है, और इसमें जो जो स्कूल के जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो जिस तरह से जो परफॉर्मेंस दी है उसको लेकर भी जो है वो काफी उनकी हौसला अफजाई जो है वो की गई है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की, जहां अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से परफॉर्मेंस जो है वो दी गई है उसको लेकर पूरा आज माहौल जो है वो बना है, और पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफी रोज जो है काफी खुशी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग तरह से जो परफॉर्मेंस जो है वो दी गई थी इसको लेकर अलग जो सोशल वर्कर है, कई चीजें हैं उनको, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी
देखने लायक है।